नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप राज और यह स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। तो आज के इस लेक्चर में हम आपके लिए लेकर के आए हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ आईपीसी 1860। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और इस वीडियो को लाइक भी करें अगर आपको पसंद आती है तो, बिकॉज योर लाइक इज़ आर मोटिवेशन। उससे पहले हम जान लेते हैं ये दो सेक्शंस को। एक है सेक्शन 34 जिसमें है जॉइंट लाइबिलिटी का सिद्धांत, और दूसरा है सेक्शन 149 जो कि है अनलॉफुल असेंबली से संबंधित। तो जो सेक्शन 34 है वो आता है जनरल एक्सप्लेनेशंस के अंदर। सेक्शन 34 कहता है व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्संस, जब कोई आपराधिक कृत्य कई लोगों के द्वारा किया जाता है, इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, यानी सबके कॉमन इंटेंशन के साथ में किया जाता है, ईच ऑफ सच पर्सन इज लाइबल फॉर दैट एक्ट इन द सेम मैनर, यानी कि उनमें से सभी लोग लाइबल हैं उस कृत्य के लिए उसी तरह से, एज इफ इट वर डन बाई हिम अलोन, यानी कि यदि कोई क्रिमिनल एक्ट कई लोगों के द्वारा किया जाता है किसी सामान्य आशय से, सबके सामान्य आशय से, तो फिर सारे व्यक्ति उस क्रिमिनल एक्ट के लिए उसी तरह से लायबल होते हैं कि यदि उन्होंने वो अकेले किया हो कृत्य। तो जैसे किसी का मर्डर कर देते हैं सब लोग मिलके, तो जो लायबिलिटी होगी वो सब पर होगी उसी तरह से कि उन्होंने एक ही व्यक्ति ने किया है मर्डर इस तरह से। और सेक्शन 149 कहता है अनलॉफुल असेंबली के बारे में। और इससे ज़्यादा जानने के लिए हम देखते हैं एमसीक्यूज को, क्योंकि यह जो सेक्शन है इसके सारे तरीके से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सब हम आगे इस एमसीक्यूज में बताएंगे। सेक्शन 149 बताता है अनलॉफुल असेंबली के बारे में। यह कहता है कि अनलॉफुल असेंबली के किसी भी एक सदस्य द्वारा किया गया अपराध, यदि वह अपराध अनलॉफुल असेंबली के सामान्य ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए किया जा रहा है, या फिर ऐसे किसी मेंबर के द्वारा किया गया उस असेंबली के कि वो सारे लोग जानते हैं कि इस सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह ऑफेंस किया जा सकता है, तो एवरी पर्सन हु एट द टाइम ऑफ कमिटिंग ऑफ दैट ऑफेंस, यानी कि जो ऑफेंस किया गया है उस टाइम पर जो भी पर्सन प्रेजेंट हैं, जो भी पर्सन हैं, वो सब गिल्टी होंगे उस ऑफेंस के। चलिए अब समझते हैं इन कॉन्सेप्ट्स को एमसीक्यूज के माध्यम से और भी डिटेल में। तो ये एमसीक्यूज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि यही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और सारे एमसीक्यूज इस तरह से बनाए गए हैं कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है पॉइंट आउट इनकरेक्ट रिस्पॉन्स, यानी कि जो क्वेश्चन है उसके रिस्पॉन्स जो इनकरेक्ट है उसको पॉइंट आउट करना है। तो द फॉलोइंग पर्सन्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ज्यूरिसडिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स इन इंडिया, तो कौन से पर्सन्स को एग्जेम्पशन मिला है कि वो इंडिया के क्रिमिनल कोर्ट्स में ट्रायल नहीं किया जाएगा उनका। तो फर्स्ट है एलियन, पहला ऑप्शन है एलियन एनिमीज कमिटिंग एक्ट्स ऑफ वॉर, यानी कि युद्ध के विदेशी शत्रु, तो ये हाँ ये एग्जेम्प्टेड होंगे। और दूसरा है फॉरेन सॉवरेंस, तो विदेशी संप्रभु यानी अधिकारी वगैरह कुछ ऐसे, तो ये भी एग्जेम्प्टेड होंगे। और तीसरा है फॉरेन आर्मी ऑन इंडियन सॉयल प्रेजेंट विद द कंसेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि कोई फॉरेन आर्मी जो इंडियन की इंडियन धरती पर आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंसेंट से, तो वो भी ट्रायल नहीं होगी इंडियन क्रिमिनल कोर्ट्स में। जो फोर्थ है एलियन एनिमी कमिटिंग अ क्राइम अनकनेक्टेड विद वॉर, दैट इज थेफ्ट, यानी कि कोई एलियन जो विदेशी शत्रु है वो कोई क्राइम कर रहा है जो कि वॉर से कनेक्टेड नहीं है, जैसे कि कोई चोरी करता है, तो ये तो यह जो है वो क्रिमिनल कोर्ट्स में ट्रायल हो सकता है, यानी कि जो इनकरेक्ट वन है वो है ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज द फॉलोइंग पर्सन्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स इन इंडिया, यानी जो नीचे लिखे हुए व्यक्ति हैं वो क्रिमिनल कोर्ट्स के ज्यूरिसडिक्शन से एग्जेम्प्टेड हैं, अगर इनमें से कोई इनकरेक्ट है तो वो बताइए, पॉइंट आउट करिए उसे, ये पूछा गया है। तो पहला है द गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स इन इंडिया, तो ये एग्जेम्प्टेड हैं, हाँ सही है, इनको एग्जेम्प्शन मिला हुआ है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसको भी मिला हुआ है। फॉरेन एम्बेसडर, इसको भी मिला हुआ है। फोर्थ इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो इनको एग्जेम्पशन नहीं मिला हुआ है, तो हमारा जो आंसर है वो डी सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग्स आउट डिस्टिंक्शन बिटवीन सेक्शन 34 एंड 149 ऑफ द आईपीसी, कौन सा है जो इनके अंदर अंतर को दिखाता है, तो 149 जो है वो अनलॉफुल असेंबली को बताता है और 34 है वो जॉइंट लाइबिलिटी को बताता है। चलिए देखते हैं ऑप्शंस को। सेक्शन 34 क्रिएट्स अ स्पेसिफिक ऑफेंस वेयर इज सेक्शन 149 डज नॉट, तो ये गलत है। सेक्शन 34 जॉइंट लाइबिलिटी को बताता है, ना कि किसी ऑफेंस के होने को बताता है। सेक्शन 149 है वो ऑफेंस के होने को बताता है। तो देखते हैं, ये पहला वाला तो हमारा गलत है ऑप्शन, सेकेंड वाला सेक्शन 34 एज वेल एज सेक्शन 149 क्रिएट्स स्पेसिफिक ऑफेंसेस, तो ये भी गलत है।
सेक्शन 149 क्रिएट्स अ स्पेसिफिक ऑफेंस वेयर एज सेक्शन 34 डज नॉट। तो यह सही है, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है असर्शन और उसका रीजन, तो चेक करते हैं इसके बारे में, पढ़ते हैं। एक्स एंड वाई हैज़ इंडिपेंडेंटली एंटरटेन्ड द आइडिया टू किल जेड, अकॉर्डिंगली ईच ऑफ देम सेपरेटली इन्फ्लिक्टेड वाउंड्स ऑन जेड हु डाइज इन कॉन्सिक्वेंस। एक्स एंड वाई आर लाइबल फॉर मर्डर विद द एड ऑफ सेक्शन 34 IPC। तो देखिए यहाँ पर हुआ है, एक्स और वाई दोनों ने अलग अलग इंडिपेंडेंटली सोचा है जेड को मारने के लिए। दोनों ने सेपरेटली जो उसे घाव दिए हैं जिसकी वजह से मर जाता है जेड, तो एक्स और वाई दोनों लायबल होंगे मर्डर के लिए, तो सही है। लेकिन विद द एड ऑफ सेक्शन 34 IPC तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर होना चाहिए कॉमन इंटेंशन, उन दोनों का कॉमन इंटेंशन होना चाहिए, दोनों का साथ में होना ज़रूरी है दोनों का। लेकिन दोनों ने सेपरेटली जो उसको बाउंड दिए हैं, घाव दिए हैं, और जो है इंडिपेंडेंटली सोचा है मारने के लिए, तो यहाँ कहीं भी कॉमन इंटेंशन का नहीं दिख रहा है भाव। रीज़न है, व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज़ डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, ईच ऑफ सच पर्सन इज लायबल एज इफ द होल एक्ट इज़ डन बाय हिम अलोन। तो ये तो पूरा सेक्शन 34 है, वही लिखा हुआ है, तो ये तो सही है। यही बता रहा है कि जब कई लोगों के द्वारा मिलकर किसी कॉमन इंटेंशन के लिए कोई कृत्य किया जाता है, तो सभी पर्सन ऐसे लायबल होते हैं जैसे कि उन्होंने स्वयं ही उस कार्य को किया है। तो देख लेते हैं इसके ऑप्शंस को, बोथ ए एंड आर आर ट्रू। आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ये तो गलत है, और यह बी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो यह भी गलत है। ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, तो यह भी गलत है। ऑप्शन सही है डी, ए, टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी व्हाट इज़ नेसेसरी कंडीशन टू बी प्रूव्ड, यानी कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए कौन सी नेसेसरी कंडीशन होनी चाहिए। तो देयर मस्ट बी अ प्रायर मीटिंग ऑफ टू और मोर पर्सन, तो यह गलत है भाई। प्रायर मीटिंग तो क्या पता किस लिए हुई हो, पहले मिल सकते हैं वो लोग, जरूरी थोड़ी कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए ही मिले वो। देयर सेकेंड है, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट ऑफ टू और मोर पर्सन टू डू एन इलीगल एक्ट और टू डू लीगल एक्ट बाई इलीगल मीन्स, तो यह सही है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि उनकी जो मीटिंग हुई है, एग्रीमेंट हुआ है कि वो या तो इलीगल एक्ट करेंगे या फिर कोई लीगल एक्ट करेंगे इलीगल मीन्स से, सो यहाँ पर जो वी है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सेक्शन 34 एंड 149 ऑफ द IPC इज करेक्ट, यानी कौन से करेक्ट हैं देख लेते हैं। कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट आर द सेम, बोथ आर डिस्टिंक्ट ऑफेंसेस इन देमसेल्फ। सेक्शन 34 एनंसिएट्स अ मेयर प्रिंसिपल ऑफ लाइबिलिटी एंड क्रिएट्स नो ऑफेंस, वाइल सेक्शन 149 क्रिएट्स अ स्पेसिफिक ऑफेंस। तो हमारा सेक्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि जो हमारा सेक्शन 34 है वो केवल प्रिंसिपल बताता है लाइबिलिटी का, लेकिन जो कोई ऑफेंस नहीं करता है, लेकिन जो सेक्शन 149 है वो ऑफेंस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 इज सेक्शन 34 ऑफ IPC provides for liability based on common intention. Consider the following situations. The weapon used in the offense was found in A's house. तो यह तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये common intention दिखाए, किसी के घर में फेंक सकता है कोई तो मिल जाए। A has procured the weapon of offense voluntarily to aid the criminal gang. तो यह बताता है कि इसने assist किया है, यह common intention को दिखाता है। A was compelled under threat to his life to procure the weapon of offense. उसे जान की धमकी दी गई है वेपन उपलब्ध कराने के लिए, तो यह तो नहीं होगा कॉमन इंटेंशन के लिए। द वेपन वॉज अप्लाइड ऑन रिसीट ऑफ वैल्यू ऑफ द वेपन, यानी कि जब जो वेपन की जो वैल्यू है उसकी रसीद मिल गई तब वो वेपन दिया गया है, तो यह तो सेल हो गई, तो यह भी कॉमन इंटेंशन के लिए नहीं आएगा। अब देखते हैं यहाँ पर सही था हमारा सेकेंड, तो ओनली सी सही है, यानी कि ओनली टू सही है, तो सी ऑप्शन सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सेक्शन 34 ऑफ IPC, तो इसका आंसर सही होगा इज अ रूल ऑफ एविडेंस, ये एविडेंस का रूल है। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 34 एंड 149 ऑफ द इंडियन पेनल कोड, तो क्या है डिफरेंस। ऑप्शन ए, दैट वेयर एज इन सेक्शन 34 देयर मस्ट बी एटलीस्ट 5%, सेक्शन 149 रिक्वायर्स ओनली 2%, तो यह तो नहीं सही है, गलत है ये। दैट सेक्शन 149 इज ओनली अ रूल ऑफ एविडेंस वेयर एज सेक्शन 34 क्रिएट्स अ स्पेसिफिक ऑफेंस एंड प्रोवाइड्स फॉर इट्स पनिशमेंट, तो यह भी गलत है। सेक्शन 34 है वो रूल ऑफ एविडेंस है, 149 ऑफेंस को बताता है। सी है, दैट सेक्शन
34 requires active participation in action, whereas section 149 require mere passive membership of unlawful assembly. तो यह सही है, सेक्शन सी सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. टू establish सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी, कॉमन इंटेंशन टू बी प्रूव्ड बट नॉट ओवर एक्ट बी प्रूव्ड. कॉमन इंटेंशन एंड ओवर एक्ट बोथ बी प्रूव्ड. तो आंसर है ए, क्योंकि कॉमन इंटेंशन ही प्रूव होना चाहिए, एक्ट को प्रूव होने की कोई जरूरत नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. कॉमन इंटेंशन अंडर सेक्शन 34 इम्प्लाइज, तो सिमिलर इंटेंशन, प्री अरेंज प्लानिंग, प्रेजेंस ऑफ कॉमन नॉलेज. तो अगर ये सब देखा जाए तो उसका आंसर है कॉमन इंटेंशन. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्संस इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, तो वो क्या होगा जब सब लोगों के द्वारा एक कॉमन इंटेंशन के लिए किया गया क्रिमिनल एक्ट हो, तो ईच ऑफ सच इज लायबल फॉर दैट एक्ट. ये सही है लेकिन आधा है, क्योंकि वी सही है. ईच ऑफ सच पर्सन इज लायबल फॉर दैट एक्ट इन द सेम मैनर एज इफ इट वर डन बाय हिम अलोन, यानी कि उसके अकेले ने किया हो ऐसे जैसा लायबल होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. अंडर सेक्शन 34 फिजिकल प्रेजेंस इज नेसेसरी, फिजिकल प्रेजेंस इज नॉट नेसेसरी एट ऑल. ऑप्शन सी सही है, फिजिकल प्रेजेंस इज नेसेसरी फॉर पार्टिसिपेशन बट नॉट इन ऑल केसेस, सारे केसेस में फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत नहीं पड़ती है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. फॉर द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 34 देयर मस्ट बी एट लीस्ट टू पर्सन्स, मोर देन टू पर्सन, फाइव पर्सन, नन ऑफ देम. तो यानी कि टू पर्सन तो होने चाहिए कम से कम. ऑप्शन ए सही है. नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 34 एंड 149 इज, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा कि केवल 34 के लिए एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए होता है एक्शन में, जबकि 149 में केवल वो मेयर केवल मेंबरशिप रखे अनलॉफुल असेंबली की तब भी वो लायबल होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. When a criminal act is done by several persons in furtherance of common intention of all, each one of them is liable as if it was done by each one of them in singular capacity. तो ऑप्शन ए सही है हमारा. Common intention implies, तो common intention imply होता है. ऑप्शन डी सही है हमारा, presence of common knowledge. Next question की तरफ बढ़ते हैं. Give incorrect response, यानी कि the following are the requirements of the principle of joint liability under section 34 of the penal code, यानी penal code कि सेक्शन 34 के अंदर जॉइंट लाइबिलिटी के लिए ये जो फॉलोइंग है उनमें से कौन सी रिक्वायरमेंट है. तो जो इनकरेक्ट है उसे हमें हटा देना है. सम क्रिमिनल एक्ट मस्ट बी डन बाय सेवरल पर्संस, तो ये होना चाहिए. क्रिमिनल एक्ट मस्ट बी डन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल ऑफ देम, यह भी होना चाहिए. सेवरल पर्सन मस्ट शेयर द कॉमन इंटेंशन, दे मे और मे नॉट पार्टिसिपेट इन कमीशन ऑफ द एक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग द क्राइम, तो यह गलत है. इसलिए हमारा आंसर सही है ऑप्शन सी, यह इनकरेक्ट रिस्पॉन्स है. नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं. यहाँ पर पता करना है हमें करेक्ट रिस्पॉन्स को. कॉमन इंटेंशन विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 34 ऑफ द पिनल कोड मीन्स, उसका मतलब होता है इट इम्प्लाइज अ प्री अरेंज प्लान, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स, प्रायर कंसल्टेशन इन बिटवीन ऑल द पर्सन कंस्टिट्यूटिंग द ग्रुप, तो यह सही है ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं. गिव करेक्ट रिस्पॉन्स, यहाँ पर करेक्ट रिस्पॉन्स देना है. प्रिंसिपल ऑफ कॉमन इंटेंशन विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 34 ऑफ द पेनल कोड मीन्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी. सेक्शन 34 जो वो डील करता है डूइंग ऑफ सेवरल एक्ट्स, सिमिलर हों या डाइवर्स हों, बाय सेवरल पर्सन्स, कई लोगों के द्वारा कई एक्ट्स को ये डील करता है, चाहे वो अलग हों या एक जैसे हों. ऑल आर डन इन फर्दरेंस, सब के सब कॉमन इंटेंशन के लिए किए जाने चाहिए, सब लोगों के जो कि लायबल होंगे, जो उनका रिजल्ट होगा उसके लिए. एज If he had done them himself, give the correct response. Correct response देना, when a criminal act is done by several person in furtherance of common intention of all, तो इसका option A सही होगा कि वो जो सारे person हैं वो liable होंगे इस तरह से कि उन्होंने जो कृत्य है यानी कि जो offense है वो खुद अकेले ने किया हो ऐसे liable होंगे. Give the correct response. तो यहाँ पर correct response देना है. Section 34 does create a substantive offense, तो ये गलत है. Section 34 is only a rule of evidence. तो यह सही है. अंडर सेक्शन 34 फिजिकल प्रेजेंस इज नेसेसरी फॉर पार्टिसिपेशन बट नॉट इन ऑल केसेस, तो यह सही है ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. ए एंड वी गोज टू मर्डर सी, ए और वी मर्डर करने जाते हैं सी का. ए स्टूड एज गार्ड विद अ स्पीयर इन हैंड टू फैसिलिटेट मर्डर ऑफ सी बाई वी, यानी कि ए अपने हाथ में भाला लेके खड़ा हो जाता है मर्डर करने के लिए कि सी का, तो इसमें क्या ऑप्शन सही होगा. तो ए इज लायबल फॉर मर्डर ओनली, तो ये गलत है. ए अकेला नहीं होगा, बी अकेला भी मर्डर के लिए लायबल नहीं होगा, सी सही है, ये दोनों के दोनों मर्डर के लिए लायबल होंगे. बिफोर अ मैन कैन बी हेल्ड लायबल अंडर सेक्शन 34 द पर्सन शुड हैव पार्टिसिपेटेड इन सम व्हाट मैनर इन द एक्ट,
देयर वॉज अ कॉमन इंटेंशन, तो ये दोनों ही सही, यानी कि ऑप्शन सी सही है, बोथ ए एंड बी, कॉमन इंटेंशन भी होना चाहिए और उन्होंने एक ही एक्ट में एक ही तरह से पार्टिसिपेट भी किया, वो होना चाहिए।